दोस्तों आज की डेट में सभी मतलब चाहे जो भी आदमी हो सभी के हाथ में एंड्रॉयड या आईफोन रहता है। जी हाँ दोस्तों, सभी के हाथ में एंड्रॉयड फोन या आईफोन रहता है और सभी के मोबाइल में व्हाट्सएप का ऐप जरूर रहता है जिससे आप चैटिंग करते हो अपने फ्रेंडों से। तो दोस्तों यही है जो आपका जो ये व्हाट्सएप है ना, आपको कैसे पता करना है कि आपका व्हाट्सएप आप ही यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहा है या किसी और ने हैक करके रखा है। तो दोस्तों यही सब मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको करना क्या है कि जो मोबाइल स्क्रीन है ना, इसमें आपको अपने व्हाट्सएप पर जाना है जो आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल करके रखा है। अब जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे आ गए तो अब आपको ऊपर की तरफ जो कोने में आपकी चैटिंग दिख रही है, ऊपर कोने में तीन बिंदी बने हुए हैं ना, उनमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उनमें क्लिक करेंगे तो कुछ फीचर्स सामने आएंगे, ये वाले फीचर्स। तो इनमें से आपको जो लिंक्ड डिवाइस वाला फीचर्स है ना, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ना, तो इसमें क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पूरा स्टेटमेंट व्हाट्सएप का खुल के आ जाएगा कि आपका मोबाइल कितने सिस्टम से कनेक्ट हुआ है। तो मेरा जो है ना, तो मेरा अभी तक 4 सिस्टम से कनेक्ट हुआ है, या 4 मोबाइल से, 4 कंप्यूटर से कनेक्ट हुआ है। तो अभी अपना इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है या आपका मोबाइल फोन या आपका व्हाट्सएप किस किस सिस्टम से कनेक्ट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विंडो आईडी भी दिख जाएगी और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यह टेक्निक यूज करके आप अपने मोबाइल में पता कर सकते हैं कि आपके जो व्हाट्सएप है ना, कौन कौन यूज कर सकते करता है और कहाँ कहाँ लॉगिन है। तो यहाँ से आप इसको करना क्या है कि जो भी आपका लॉगिन है अगर किसी और मोबाइल में, तो आपको जो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो आपके सामने मतलब अगर आपका एक में लॉगिन होगा तो आपका एक ही ऑप्शन दिखेगा। तो आपको उसमें कुछ देर उसको दबा के रखना है। जैसे आप उसमें दबा के रखेंगे, उसमें टैप करना है। जैसे आप उसमें टैप करेंगे ना, तो आपका लॉग आउट करने के ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको लॉग आउट कर देना है। तो आपका जिसके भी मोबाइल में खुला होगा, आपके मोबाइल से वहां से बंद हो जाएगा और लॉग आउट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर यह फीचर्स अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।